दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले फुल फॉर्म कंप्यूटर टर्म्स। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ALU, तो ALU का होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि ALU का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है ALGOL। ये या कुछ खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा भी नहीं गया है। तो इसका क्या होगा, इसका जो होगा इसका हो जाएगा एलोग्राथमिक लैंग्वेज, ये पूछा नहीं जा सकता है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ASII, इसका क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिक का क्या होगा, बेसिक का होगा विनिनर आल परपोज सिग्नल्स इंटेक्सचर कोड। नेक्स्ट है VCD का क्या होगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसका होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, CPU। CPU का होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है CAD, तो CAD का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है CDOT, इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये कि क्लास का क्या होगा, तो क्लास का होगा कंप्यूटर लिटरेची एंड स्टूडियोज इन स्कूल। नेक्स्ट है COML का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमल, यानी कि इसका होगा कॉमन अल्थमेटिक्स लैंग्वेज, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डॉस का क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है DTS का क्या होगा, तो DTS का फुल फॉर्म होगा डेस्कटॉप सिस्टम, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट है DTP का क्या होगा, तो DTP का होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है ENISC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबरिंग इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फैक्स का क्या होगा फुल फॉर्म, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो फैक्स का होगा फेयर अवे एक्सरोल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पुलिस कांस्टेबल ने पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं, FLOPS फ्लॉप्स, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है HLL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो HLL का होगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे जरूर जाएंगे, तो उनको जितने भी इसके फुल फॉर्म है आप लोग याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ISH का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ISH का फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। नेक्स्ट है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है LAN का, तो LAN का होगा लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है LDU का फुल फॉर्म क्या होगा, तो LDU का फुल फॉर्म होगा लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, यानी कि LAN और ये LDU
काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं LISP का फुल फॉर्म क्या होगा, लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है LLL, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है सरकारी एग्जामों में, तो इसका हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है MICR, तो MICR का क्या होगा फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी, इसको भी देख लीजिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट आ जाता है MIPS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मिलियंस ऑफ इंटरेस्टेड पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है MOPS का क्या होगा फुल फॉर्म, तो मिलियंस ऑफ अवर्सेस पर सेकेंड, ये कोई कितने महत्वपूर्ण नहीं है पर देख लीजिए एक बार आप लोग, आ भी सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट आ जाता है MOD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इम्यूडिएटर टीमुलेटर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है NICNET का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया जाए, तो देख लीजिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट है OMR, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में और अन एग्जामों में पूछा जा चुका है OMR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, याद कर लीजिए आप लोग इसको भी। नेक्स्ट आ जाता है PCDOS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको याद रखना है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है PROM यानी कि PROM, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी आ सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, देख लीजिए एक बार आप लोग। नेक्स्ट RAM का क्या होगा, तो RAM का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% में 99% इस बार पूछा जा सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, देख लीजिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट है आपका ROM, ROM का क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी, इसको भी तो देख लीजिए एक बार आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है RPG का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। नेक्स्ट है SNOPOL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिमुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है VDU का फुल फॉर्म क्या होगा, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, तो VDU का फुल फॉर्म होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी फुल फॉर्म, इसको भी देख लीजिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट आ जाता है VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वेरी लार्ज स्केल इंटरग्रेशन, ठीक है इंटरग्रेशन जाएगा इसका फुल फॉर्म, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है WAN का क्या होगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ये भी देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है WWW का क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी हो गया आपका www का वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये थे फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑफ टर्म्स, यानी कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जो नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।